गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर ये कहता है डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, namely 1, 3, 5, 7 इतना prove करनी इसको। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से मतलब इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया जाता है, फॉल करवाया जाता है और उसमें अगर टाइम इंटरवल आप सेम रखेंगे तो उसके थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसकी रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो 11 होगा। क्लियर? इस चीज को बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो अब हम व्हाइट को लेके चलते हैं जहां पे हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हम आ गए अब व्हाइट बोर्ड पे। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसके बाद t मिनट के बाद मान लेते हैं हम कि यहाँ पे आ गए। कितना टाइम के बाद? t टाइम के बाद। t टाइम के बाद हम पॉइंट A से पॉइंट B पे आ गए। उसके बाद फिर t टाइम के बाद हम पॉइंट C पे आ गए। फिर टी टाइम के बाद हम पॉइंट डी पे आ गए। फिर टी टाइम के बाद हम पॉइंट ई पे आ गए। ये सब का जो इंटरवल है वो टी 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 टाइम का है। कोई दिक्कत नहीं। अगर ए से बी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस ए बी है, बी से सी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस बी सी है, सी से डी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस सी डी है और डी से ई का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस डी ई है, तो आपको ये प्रूव करना है एस ऑफ ए बी रेशियो एस ऑफ बी सी रेशियो एस ऑफ सी डी रेशियो एस ऑफ डी ई इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब देखो ए पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता है कितनी है। ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 1 0 इनिशियल वेलोसिटी है और वो 0 दिया हुआ है। 0। अब आ जाइए बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है v = u + at है ना, +at। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी = u, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 0 और टाइम के जगह पे t। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना हो गया? gt। अब वेलोसिटी एट पॉइंट c निकालिए कितना होगा, जल्दी बताओ। c पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? कितना होगा सी पॉइंट की वेलोसिटी? इतना ही होगा जीटी। क्यों होगा? आप जब इनिशियल इस पॉइंट से कंसीडर करोगे तो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना हो गया? 2t। तो वेलोसिटी एट पॉइंट टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन a और टाइम के जगह पे t2 और एक्सीलरेशन a के जगह पे आप g यूज कर लेंगे, तो वेलोसिटी एट पॉइंट c जो है वो हो जाएगा 2gt। जी। अब बताइए वेलोसिटी एट पॉइंट d कितना होगा? यहाँ 3gt। और वेलोसिटी एट पॉइंट e कितना होगा? 4gt। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है s = ut + 1/2 at²। दूसरा फॉर्मूला होता है v² - u² = 2as करना। जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें से जो फॉर्मूला चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। कौन सा कर ले, नीचे वाला कर ले, पहले वाला जी। पहले वाला में क्या दिक्कत है वो पहले आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t ले रहे हैं तब तो ठीक है, ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है जी। लेकिन जब आप b से c के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वहां पे u के जगह पे वेलोसिटी एट पॉइंट b लेना होगा जी, एट पॉइंट, ठीक है क्या समझे, क्या नहीं समझे। ये जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें u क्या है, इनिशियल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल 0 है जब आप यहाँ से यहाँ तक का काउंट करेंगे जी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने लगेंगे, इस समय इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा। हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें जी? तो इसीलिए हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो यूज करो। अब इसमें देखो, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम इन दोनों पॉइंट के बीच में यूज करने जा रहे हैं, ए और बी के बीच में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस ऑफ ए बी जी। वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो है वो है gt, तो ये हो जाएगा gt का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एक्सीलरेशन के जगह पे g इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी, और ये हो जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये g इनके साथ कैंसल आउट हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है ये हो जाएगा हाफ g टी स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ ए आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। कोई डाउट है डिस्टेंस ऑफ ए बी में? नहीं। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो आप। अच्छी तरह से समझ के फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालोगे। जिस तरह से हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला उसी तरह आप डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल सकते हैं जी। निकाल रहे हैं, निकालिए। इसका 9/2 जीटी स्क्वायर निकलेगा। चलो चेक करते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट c का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट b का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस ऑफ bc। वेलोसिटी एट पॉइंट c कितना है? 3t, सॉरी bc निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी सर हम तो यहाँ ये सीधी निकाल लिए, सीडी निकालिए, कोई बात नहीं, सीडी को हम क्रॉस चेक कर लेंगे। अब पहले बीसी निकाल लेते हैं। तो 2gt का स्क्वायर माइनस gt का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू डिस्टेंस ऑफ बीसी। ये हो जाएगा 4g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू डिस्टेंस ऑफ बीसी, और ये हो जाएगा आपका 3g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू डिस्टेंस ऑफ बीसी। अब देखो जीजी की कटिंग कर दे जी। तो यहां से डिस्टेंस ऑफ बीसी आपका आ गया 3/2 इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है। इनिशियल के जगह पर 0 होगा आंसर। इनिशियल के जगह पे 0 क्यों होगा? आप जो है बी से सी के बीच में निकालना चाह रहे हो। आप किसके बीच में निकालना चाह रहे हो? बी और सी के बीच में। अब आप हमें एक बात बताओ, सपोज करो कि आप जो है पटना से दिल्ली जाना चाहते हो, ठीक है जी, बीच में एक जगह आ गया, जगह का नाम है कानपुर। आपका स्टार्टिंग पॉइंट पटना था और फाइनल जहां पे आप गए हो वो दिल्ली है। आप बाइक से जा रहे हो, तो पटना में जब आप शुरू कर रहे थे अपनी मोशन, उस समय आपकी वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब आप कानपुर पहुंच गए हो तो कानपुर में आपकी वेलोसिटी 0 होने का चांस बनता है? नहीं। और जब पटना से कानपुर के बीच का डिस्टेंस लोगे तब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और जैसे ही कानपुर से दिल्ली का आप केस लोगे उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं कहोगे। जी समझ गया। तो अब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी निकालो। हमने बीसी का जो डिस्टेंस निकाला है वो है 3/2 g t स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस बिटवीन सी डी निकालो। फाइव बाई टू जी टी स्क्वायर। चलो मैं चेक करता हूँ। इसको आपने लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ डी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एस और डिस्टेंस बिटवीन सी डी। फिर आपने लिखा होगा वेलोसिटी एट डी है 3 g t का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट सी है 2 g t का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू g इंटू डिस्टेंस ऑफ सी डी। और इसको आप लिखेंगे 9 g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4 g स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 2 g s ऑफ सी डी। और ये हो जाएगा 5 g स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 2 g डिस्टेंस ऑफ सी डी। जी की कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 g t स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी। यही आपका भी आ रहा है जी। अब डिस्टेंस ऑफ डी ई निकाल के दे दो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई। इसका आएगा 7/2 g t स्क्वायर। 7/2 g t स्क्वायर। अब हम इसका रेशियो निकालने जा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी रेशियो डिस्टेंस ऑफ बी सी रेशियो डिस्टेंस ऑफ सी डी रेशियो डिस्टेंस ऑफ डी ई। अब देखिए जो ए बी का डिस्टेंस है वो है 1/2 g t स्क्वायर रेशियो, जो बी सी है वो है 3/2 g t स्क्वायर रेशियो, जो सी डी है वो है 5/2 GT² रेशियो, जो DE है वो है 7/2 GT²। आपको ये पता होगा कि रेशियो को आप सेम टर्म के साथ, मतलब कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है तो उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं जी। तो अब आप क्या कीजिए, इन सारे टर्म को GT² के साथ डिवाइड कर लीजिए। तो पहला आपका बन जाएगा 1/2 GT² डिवाइडेड बाय GT², 3/2 GT² डिवाइडेड बाय GT² रेशियो 5/2 GT² डिवाइडेड बाय GT² रेशियो 7/2 GT² डिवाइडेड बाय GT²। कोई दिक्कत नहीं। अब GT² हर एक टर्म में से कैंसल आउट कर लो। तो जैसे ही GT² कैंसल आउट करोगे तो ये बचेगा 1/2 रेशियो 3/2 रेशियो 5/2 रेशियो 7/2। अब आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किसके साथ? सब के साथ में 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 3/2 रेशियो 5/2 रेशियो 7/2। 2 कैंसल आउट, ये 2 कैंसल आउट, ये 2 कैंसल आउट, ये 2 कैंसल आउट, मतलब ये बन गया 1/3 रेशियो 5 रेशियो 7। यहाँ तक में कोई नहीं। चल अब मैं इसको क्लोज करूं जी।